हेलो ए गाइस, दिस इज अनुराग चैन। यू आर वाचिंग नॉलेज पार्ट। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ट्वेल्थ पॉलिटिकल साइंस के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये हमारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग कुछ खास नहीं, एग्जाम का टाइम करीब है, सिर्फ एक बार देख जाना है अच्छे से, ताकि ऐसा ना हो कि ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए और हमसे ना बन पाए। ठीक है, तो सिर्फ एक बार देख लेना इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं सारे क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस आपके ऑफिशियली बिहार बोर्ड में 2018 में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इसको आराम से एक बार देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला जो क्वेश्चन आपका है वो है, किस समिति के अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन हुआ। ठीक है, तो ये जो बलवंत राय मेहता समिति के जो अनुशंसा पर जो है पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग, दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ व्यवस्था का विशेषता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दोहरी नागरिकता है वो भारतीय संघ व्यवस्था का विशेषता नहीं है, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान द्वारा जो है कुल आपका यहाँ पे देख लीजिए 6 जो है अभी है। ठीक है, मौलिक संविधान जो अधिकार जो है आपका वो 6 है, लेकिन मूल संविधान की बात करें तो उसमें 7 थे। ठीक है, जिसमें से एक संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, और अभी कितने हैं 6। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन का प्रावधान करता है। ठीक है, तो निर्वाचन का प्रावधान अब यहाँ पे देख लो। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको ऐसा थोड़ी है 324 से पूछेगा, 320 पूछ दे तो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चारों का ऑप्शन आपको बता देता हूँ किसमें क्या है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, 324 जो है इसमें संविधान में जो है निर्वाचन का प्रावधान करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 320 दे रहा है ना, तो 320 में क्या है, तो लोक सेवा कृत का जो है वर्णन किया गया है। ठीक है, और 321 में क्या किया गया है, तो 321 में लोक सेवा आयोग के कृत्यों के विस्तार का प्रावधान है। ठीक है, और इसके बाद जो है सी आपका 322, इसमें जो लोक सेवा कितना खर्च करता है इसका ब्यौरा होता है। ठीक है, और 24 में जो है आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, निर्वाचन आयोग का जो है मतलब अनुच्छेद 324 जो अनुच्छेद है वो आपके निर्वाचन का प्रावधान करता है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। अब देखिए, राज्यसभा में जो है केंद्र और राज्य दोनों का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, केंद्र और राज्य दोनों का होता है, कभी भी आप लोग मिस्टेक मत करिएगा, राज्यसभा में सिर्फ राज्य का नहीं होता है, दोनों का होता है, केंद्र का भी और राज्य का भी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत संघीय व्यवस्था में किसे अधिक भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्रदान है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा भारतीय संघीय व्यवस्था में, ठीक है, तो केंद्र को जो है अधिक शक्ति प्रदान है। ठीक है, केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो राज्यसभा में 12 होती है। ठीक है, राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। ठीक है, तो भारत में जो पहला नगर निगम स्थापित किया गया था वो मद्रास में है। ठीक है, मद्रास में है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को हाल में विभक्त कर 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश को जो है बांट दिया गया है। ठीक है, और तेलंगाना नया 29वां राज्य बना। ठीक है, ये 18 का क्वेश्चन है आपका। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही। ठीक है, केंद्र तथा राज्यों में जो है के संबंध में जो कुछ बाधा आती रहती है संवैधानिक तौर पर, तो वो कौन सी है। देखिए, राज्यपाल की भूमिका भी यहाँ पे सही हो जाएगा, अनुच्छेद 356 भी सही हो जाएगा, और यहाँ पे केंद्र राज्यों पर राज्यों का केंद्र पर निर्भरता भी सही हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इनमें से सभी आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आया 356, तो 356 में होता क्या है, तो ये जो है 356 में जो आपातकालीन स्थिति में जो है राष्ट्रपति शासन लागू करने का केंद्र सरकार राष्ट्रपति को कहती है, मतलब सलाह देती है कि आप वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर दें, क्योंकि वहाँ की जो राज्य सरकार है वो विफल हो गई है। ठीक है, वहाँ शासन व्यवस्था संभालने में जो है विफल हो गई है, तो इसी चीज़ का वर्णन कहाँ है आपके, अनुच्छेद 356 में। चलिए उसके बाद देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। ठीक है, तो पंचायती राज से, ठीक है,
पंचायती राज, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, गैर कांग्रेस, तो यहाँ पे मोरारजी देसाई, याद रखिएगा मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री भी हैं, वो भी पूरे विश्व में। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है? ठीक है, तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की जो अनुमति देता है वो 108 है। ठीक है, और संयुक्त अधिवेशन की जो को कौन बुलाता है? तो वो राष्ट्रपति बुलाते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लेते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? ठीक है, वित्त आयोग, नीति आयोग और संघ लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका हो जाएगा नीति आयोग। ठीक है, ये संवैधानिक संस्था नहीं है, ये गैर संवैधानिक संस्था है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत संविधान की जो है आत्मा कहा गया है? ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर ए हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे यहाँ पे देख लीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अस्थायी सदस्य थे, और भीमराव अम्बेडकर जो है अस्थायी सदस्य थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अम्बेडकर जी सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया है। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो 1945 में बना था। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने नाटो के अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? ठीक है, किस देश ने नाटो के अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो पश्चिमी जर्मनी, ठीक है, या फिर ब्रिटेन, इसको देख लेना आप लोग 20 नंबर क्वेश्चन, या तो पश्चिमी जर्मनी हो जाएगा या ब्रिटेन हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराष्ट्र किस राज्य का अंग है? ठीक है, स्वराष्ट्र किस राज्य का अंग है? तो ये जो है गुजरात का अंग है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक किस देश के एक के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई? तो अमेरिका जो आपका सही आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण सार्क में कितने देश हैं? तो 8 देश हैं, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद के में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, 5। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे है आपका, पूना पैक्ट संबंधित था, तो पूना पैक्ट जो है आपका दलित वर्ग से संबंधित था, यह जो है आपका 1932 ईस्वी में हुआ था। इसमें कौन कौन संधि किए थे? तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जो है संधि किए थे, समझौता किए थे इसमें, इसी को पूना समझौता भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितनी चार्टर धाराएं हैं? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितनी के जो चार्टर हैं उसमें कितनी धाराएं हैं? तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा 111। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? ठीक है, तो विधायी संबंधों का उल्लेख पूछ रहा है यहाँ पे, तो आपका जो सही आंसर होगा वो ए हो जाएगा, 45 से 55, हालांकि 46 से है। ठीक है, 45 से 55, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं, आपको पता होगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो मौलिक कर्तव्य 11। ठीक है, मौलिक अधिकार 6। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यों के संबंध संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? तो राज्यपाल होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो 73वां आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का संविधान विश्व में सबसे बड़ा संविधान है? तो भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है, लिखित संविधान भी और वैसे भी जो है सबसे बड़ा संविधान है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की? ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा 1975। ठीक है, 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दी थी।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व समाहित हैं? तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा चौथा, ठीक है, चौथा भाग जो है नीति निर्देशक तत्व के लिए है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? ठीक है, बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा आय तथा व्यय, ठीक है, आय एवं व्यय, यानी कि सी आंसर आपका सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 साल होता है, ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो बिहार विधान परिषद में सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो बिहार विधान परिषद में 6 साल, ठीक है, क्योंकि यह स्थायी सदन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे 6 साल। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट, देखते हैं किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है? ठीक है, किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है? तो यहाँ पे जम्मू और कश्मीर जो है सही आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, इसका अपना संविधान है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो 1905 में हुई थी, ठीक है, नहीं माफी, 1906 में हुई थी, ठीक है, 1906 में जो है सही आंसर हो जाएगा इसका, 39 का बी आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किन्होंने की थी? तो ए ओ ह्यूम ने की थी। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी, ठीक है, और पहली भारतीय महिला राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? तो वो थी सरोजनी नायडू, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं, भारत में पहली हरित क्रांति के जनक कौन है? ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो M.S. स्वामीनाथन, यानी कि 41 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा देख लीजिए, प्रतिभा पाटिल, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद है, केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई? ठीक है, तो जनता पार्टी जो है केंद्र में आपका 1977 में आई थी, ठीक है, 1977 में आई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव के किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्रथम स्थान 2015 के चुनाव में पूछ रहा है, तो जनता, देखिए बिहार में पूछ रहा है ना, तो बीजेपी, राजद और कांग्रेस एंड जदयू, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो राजद ने जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया था, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दूसरे पे जदयू रहा था, 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? ठीक है, 18वां सार्क सम्मेलन जो है कहाँ हुआ था? तो इसका जो सही आंसर होगा काठमांडू में हुआ था, ठीक है, कहाँ हुआ था 18वां सार्क सम्मेलन? काठमांडू में, यानी कि काठमांडू कहाँ है? नेपाल में। चलिए उसके बाद देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सी टी बी टी प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ ने कब स्वीकारा? तो यहाँ जो सही आंसर होगा आपका 1996 में जो स्वीकार कर लिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण 1998 में, ठीक है, पहला कब हुआ था 1974 में। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देख लीजिए 47 का डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो यह तो आपको बहुत ही ईजिली पता होगा, सी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव, देख लो अब यहाँ पे यू थांट थांट, ठीक है, यू थांट जो थे यहाँ पे थे, और इसको देखिएगा एक बार, इसका बी आंसर ही सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का जो प्रधान होते हैं वो सरपंच होते हैं, ठीक है, सरपंच होते हैं। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल, और आज शाम में हम लोग देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर कीजिए। धन्यवाद।